हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज हम जा रहे हैं बनारस काशी विश्वनाथ धाम महादेव के दर्शन करने। बाय ट्रेन जा रहे हैं, नई दिल्ली से 10:30 बजे ट्रेन है हमारी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो भाई जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सब इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, व्लॉग में जुड़े रहना आप। लो भाई स्टेशन पे आ गए थे, समालगा स्टेशन पे। यहाँ से नई दिल्ली जाएंगे, ट्रेन आने वाली है अपनी। और रास्ते में भूप सिंह अपना भूपेंद्र भाई, जिसने हमारे साथ चार धाम की यात्रा की थी, वो भी हमारे साथ जा रहा काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने। तो उसको हम सोनीपत से पिक करेंगे और फिर नई दिल्ली से अपनी ट्रेन है बनारस के लिए। नई दिल्ली आ गए थे, भीड़ देखो कितनी हो रखी है चारों तरफ। हमारी ट्रेन भी आधा घंटा लेट है, तो देखते हैं भाई 10 बजे का टाइम था, देखो कितने बजे आती है। लो भाई ट्रेन आ गई थी, ट्रेन में बैठ गए हैं। ये देखो भूप सिंह को फ़ोन चला रहा है, बहुत थक गए हैं भाई, अब सो जाते हैं थोड़ी देर। सुबह आपको बनारस पहुँच के बनारस दर्शन कराते हैं, बनारस का काशी विश्वनाथ टेम्पल का। अभी सो जाते हैं भाई, भूप सिंह तो अभी से सो गया, देखो इसको बड़ी जल्दी नींद आ गई, अभी तो फोन चला रहा था। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं। लो भाई बनारस जंक्शन पे उतार दिए हैं, गाड़ी रही 8 घंटा लेट, ये रही देखो। अभी उतारे हैं बनारस जंक्शन पे, आज 10 बजे पहुंचाना था इसको सुबह, और इसने बजा दिए 6:05। ये देखो भाई बनारस का रेलवे स्टेशन। आज का दिन तो भाई ट्रेन में ही ख़त्म हो गया। चलो चलते हैं मंदिर की तरफ जल्दी से, 4 किलोमीटर है यहाँ से। बनारस आके भाई बनारसी पान नहीं खाया तो क्या खाया फिर, क्या किया? चलो पान खिलाते हैं आपको। पान आके तैयार है भाई, भूप सिंह ने खा लिया पान। ले भूप सिंह बनारसी पान खा लिया भाई, अब चलते हैं रूम पे। अरे कबूर सिंह खाई के पान बनारस वाला। लो भाई रूम पे आ गए थे, ये रूम ले रखा हमने, 400 पर हेड है, 800 रुपये में पूरा रूम है, 2 बेड है इसमें, एक ही है एक ही रहा। ये रूम ले रखा है, अब सो जाते हैं भाई, सुबह को
काल भैरव टेम्पल जाएंगे और वहाँ दर्शन करके, और फिर यहाँ पे 84 घाट है, 84 घाट, तो उनके दर्शन करेंगे। फिर जैसा भी होगा सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे।